आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अलग सी रेसिपी। ये है पंजाब की एक ऐसी रेसिपी जो आजकल देखने को भी नहीं मिलती है, पर थैंक्स टू यूट्यूब और सोशल मीडिया जिसकी वजह से हम ये रेसिपी दोबारा से पंजाब के घर घर में पहुंचा सकते हैं। पंजाब ही क्यों, पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और इसका नाम है फुलकारी पुलाव। ये देखिए बिल्कुल फुलकारी कढ़ाई जो होती है ना एम्ब्रॉयडरी, उसके जैसे रंग बिरंगे कलर से बना हुआ ये पुलाव है और तभी इसका नाम फुलकारी रखा गया है। और जिनको नहीं मालूम है मैं उन्हें ये बता दूँ, फुलकारी जो है पंजाब की लोक या ऑथेंटिक कढ़ाई है, कढ़ाई मतलब एम्ब्रॉयडरी, और फुलकारी का अर्थ होता है फूलों का काम। इस कढ़ाई को या एम्ब्रॉयडरी को पारंपरिक तौर पर रंगीन रेशमी धागों से मोटे सूती कपड़े यानी कि खद्दर या दुसूती जैसे कपड़ों पे उल्टी साइड से बनाया जाता था। फुलकारी बेसिकली घर की महिलाएं द्वारा किए गए घरेलू काम का ही एक उत्पाद था। हर चीज़ महिलाएं घर पर ही करती थी, जैसे कपास पंजाब में उगाया जाता था, फिर महिलाएं उसे चरखे पर कपास से सूत बनाती थी, सूत यानी कि धागा, फिर इस धागे को ललारिया रंगता था, उसमें कलर किया जाता था और जुलाहा उस धागे से कपड़ा बनाता था और उस कपड़े पर फिर महिलाएं रंग बिरंगे धागों से फुलकारी की कढ़ाई करती थी। तो इस तरह से पंजाब की जो फेमस कढ़ाई है फुलकारी, वो तो सभी जानते हैं, आजकल बहुत फैशन में है, उसके सूट और दुपट्टे पाए जाते हैं। और चलिए इसी से रिलेटेड हम बना लेते हैं फुलकारी पुलाव। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मन्हास। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चार तरह के चावल। आप कोई भी चावल ले सकते हैं क्योंकि हर चावल सबको नहीं उपलब्ध होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे चावल सिलेक्ट किए हैं जिनकी कुकिंग टाइम सेम हो, और साथ ही मैंने लिया है ब्राउन राइस और ये सब मैंने लिए हाफ कप। ये मेजरिंग कप से मैंने ले लिए हैं, ये मेजरिंग कप जो एक कप है इसके टोटल दो कप हो जाएंगे। तो ये ले लिया है मैंने ब्राउन राइस। और इस तरह से सारे चावल जो हैं जिनका कुकिंग टाइम सेम है वो मैंने चार ले लिए हैं, लेकिन आप चाहो तो एक बासमती लेके भी बना सकते हो। अब मैंने इन चारों को मिक्स कर दिया है और मिक्स करके इन्हें अच्छी तरह से धो लूँगी और फिर इसे पानी में सोख करके लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो इसे मैंने धो लिया है और अब मैं इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि चावल जो है हमारे सॉफ्ट हो जाए और आसानी से पक जाए। लगभग आधा घंटा हो गया है हमें चावल भिगोए हुए, तो अब मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ जो हम यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक तेज़पत्ता, दो हरी इलायची, एक स्टार एनीज़, एक मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा और चार चार पाँच पाँच दाने लिए हैं मैंने लौंग और काली मिर्च के। साथ में ही हम ले लेंगे ड्राई फ्रूट जो मैंने 50-50 ग्राम के करीब लिया है, किशमिश, बादाम और काजू, और 1/4 कप मैंने लिए है खसखस। साथ में मैंने आधा लीटर दूध से ये खोया घर पे ही बनाया है और इसमें मैंने केसर भी डाला है, केसर डाल के मैंने इसको घर पे बनाया है, बहुत गाढ़ा नहीं किया है मैंने। और साथ में ले लेंगे सब्जियाँ, यहाँ लिए हैं मटर, गाजर जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये है बीन्स और साथ में पनीर भी मैंने घर पे बनाया है 1 लीटर दूध से और इसे मैंने भून भी लिया है, फ्राई कर लिया है। और सब्जियाँ हमारी लगभग जो हैं 100 ग्राम के आसपास हैं। और अब बना लेते हैं अपना फुलकारी पुलाव और बहुत ही लजीज और रिच बनता है ये। और इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, यहाँ कुकर रखा है, वैसे आप कढ़ाई ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच देसी घी के। देसी घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे और फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं सारे मसाले और इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे।
जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे तभी हम इसमें बाकी चीज़ें भी डालेंगे, जैसे ड्राई फ्रूट। ये मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश और बादाम। इन्हें अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे और थोड़ा सा भुन जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे खसखस। खसखस को भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए बहुत ही रिच शाही टाइप के पुलाव है, ये बहुत ही टेस्टी भी होता है। और उसके बाद हम डाल देंगे अपनी सब्जियां, जैसे मटर, बीन्स जिन्हें मैंने डायमंड शेप में काटा है, और गाजर जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। पनीर मैं बाद में डालूंगी क्योंकि पनीर पहले से ही मैंने रोस्ट किया हुआ है और अभी डालेंगे तो वो टूट जाएगा। तो अब हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। इसमें हम हल्दी वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही सूदिंग सी रेसिपी है और खाने में बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगती है, लाजवाब। अलग ही टेस्ट है इसका। इसमें हल्का सा मैं नमक डाल रही हूँ ताकि हमारी सब्जियाँ जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जियों का रंग अच्छा सा हरा सा बना रहे तो उसके लिए आप इन्हें पकाने से पहले, पुलाव में डालने से पहले इनको पार बॉईल कर सकते हैं। मैं एक बार और रेसिपी ये वाली आपको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं वो भी दिखाऊंगी। आज तो मैं इसको वन पॉट रेसिपी बना दिया है, एक ही पॉट में सब कुछ कर दिया है। और साथ ही यहाँ डाल रही हूँ मैंने खोया जो होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो खोया मैंने जानबूझ के इसको हार्ड नहीं किया था, सॉफ्ट होने की वजह से ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स हो गया है। अगर हार्ड हो जाता तो उससे क्या है कि टुकड़े टुकड़े जगह जगह आते। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है इसका और सब्जियों में आसानी से मिक्स हो गया है। अब हमने इसको बनाना है दूध में। मैं यहाँ पे आधा दूध आधा पानी डालूंगी क्योंकि मैंने खोया भी डाला है इसमें, वो भी दूध से ही बना है। तो आप जैसे कि हम लोग जानते हैं पंजाब जो है वो दूध, दही, घी वगैरह के लिए तो बहुत फेमस है। वो सारी चीज़ें इस पुलाव में दिखती हैं। अब हमने डाल ली है इसमें चावल, और चावल डाल के हम चावल को थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे, पानी या दूध जो है वो हम बाद में इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है 2 कप। जैसे मेरे चावल थे लगभग 2 कप, लगभग नहीं बिल्कुल 2 कप थे, तो मैंने आधा पानी और आधा दूध डाल रही हूँ। मैंने 2 कप डाले हैं दूध और 2 कप ही मैंने डाल दिया है इसमें पानी। ये एक्चुअली दूध में कुक किया जाता है तो मैंने इसमें खोया भी डाला है तो इसलिए मैंने पानी का क्वांटिटी जो है उसमें आधी कर दी है। अब डाल दिया मैंने इसमें पनीर भी जो मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखा था। और केसरिया रंग देखिए पुलाव में कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने केसर डाला था उसमें खोए में भी, और थोड़ा सा केसर मैं अभी और डाल रही हूँ। जब ये गर्म होगा दूध तो उसमें उसका रंग और अच्छा सा आ जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे देख रहे हैं आप, मेरा बर्तन जो है चावलों के हिसाब से छोटा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी में बन जाए, मुझे चेंज ना करना पड़े। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे, लेकिन जैसे ही जो हमारा दूध और पानी हमने डाला है इसमें वो बॉयल होने लगेगा तो हम ढक्कन हटा देंगे, नहीं तो उबल के बाहर आ जाएगा। अब मैं थोड़ी देर इसे बिना ढके पकाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी ढक देती हूँ तो वो उबल के बाहर सारा पानी और दूध आ जाएगा। जब इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा तो मैं इसमें इसको ढक के पकाऊंगी। अब देखिए मैंने नमक जो पहले डाला था वो कम डाला था, तो मैंने नमक और ऐड कर दिया इसमें। आप भी इस स्टेज पे अगर नमक चाहें तो पहले भी पूरा डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए। अब मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही बॉईल कर रही हूँ ताकि इसका पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, और जब पानी रिड्यूस हो जाएगा तो मैं इसे ढकूंगी। और देखा आपने, पंजाब जो है पंजाबियों का काम तो दूध, दही, मक्खन, घी, उसके बिना तो सरता ही नहीं है। और सारी की सारी वैसी चीज़ें इस पुलाव में हैं।
और ये रेसिपी हमारी लुप्त हो जाए ऐसा क्यों? ये तो घर घर पहुंचानी है, तो इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि हर पंजाबी के घर में कम से कम एक बार तो बने। अब इसमें से मॉइस्चर जो है, पानी जो है, काफ़ी रिड्यूस हो गया है, तो अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। तो इस तरह से कपड़ा ले लिया है मैंने और इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी। ऐसा करने से जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकलेगी और इसको सिम पे पकाऊंगी, दम पे, ताकि अच्छी तरह से इसी पानी में और दूध में हमारा जो चावल है अच्छी तरह से पक जाए। और अगर आप भी कभी ऐसे चावल बनाते हैं जैसे जिसमें पानी नाप के डालते हैं और पतीले में बनाते हैं और आपको लगे कि पानी कम हो गया है और चावल गले नहीं हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मत डालिए। कपड़े को गीला कर लीजिए, जैसे मैंने सूखा रखा है, कपड़े को गीला करके इस तरह से ढक के बिल्कुल दम पे पकाइए, मतलब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाइए, तो चावल आपके आराम से पक जाएंगे। यहाँ मेरा पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है बनके, लेकिन वही कढ़ाई छोटी है तो थोड़ा सा साइडों में लगा है और इसका भी मैं इलाज कर लूँगी। और इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं और कलर देखिए, सब सब्जियों के अलग अलग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फुलकारी कढ़ाई की हुई है। अब मैं इसमें दूध में मैंने थोड़ा सा केसर मिक्स करके और थोड़ा सा कलर, केसरिया कलर इसमें डाला है अपने पुलाव को और अच्छा रंग देने के लिए, और इसे मैंने डाल दिया है ऊपर से। अब मैं दोबारा इसे ढक के रख दूंगी और इस बार मैं गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि हमारे चावल पक गए हैं, हमें और इसे पकाना नहीं है और इसे दम पर ही थोड़ी देर रहने देंगे। तो लीजिए, हमारे पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हैं, गर्मा गर्म और रंग बिरंगे फुलकारी पुलाव। और इसमें इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसमें बादाम, किशमिश, दूध की मिठास, ड्राई फ्रूट, अलग अलग सब्जियाँ, लाजवाब पुलाव बना है। और इसे आप खा सकते हैं दही के साथ, और मेरी तरह आप चाहो तो घी के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए, लेकिन शेयर ज़रूर करिए ताकि ये हर घर में एक एक बार तो बन ही जाए। तो चलिए, आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।